नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है। मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया गया है। रिकॉल अर्जी में 11 जनवरी 2024 के आदेश को दरअसल चुनौती दी गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच की तरफ से दरअसल यह फैसला यहां पर दिया गया है। अजय सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्या कुछ जो है आज सुनवाई में हुआ और क्यों खारिज हुई है याचिका? देखिए, जो वकील इस पूरे मामले में पक्षकार थे, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से समझते हैं। वकील साहब, जरा आम आदमी समझ सके उस भाषा में बताइए, ये कितना महत्वपूर्ण था हिंदू पक्ष के लिए और क्या जीत मिली आज? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि 15 सूट का ट्रायल एक साथ हो रहा था, कंसोलिडेट था। अब इन्होंने रिकॉल अर्जी दायर करके उसमें डिले ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने की कोशिश किया, जिसमें वो सफल नहीं रहे। अगर ट्रायल एक साथ होगा तो एविडेंस भी एक साथ लिए जाएंगे इसमें, तो ये समय की बचत होगी। कंट्राडिक्टरीज जो हैं इसमें ऑर्डर नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये दोनों ही पक्षों के लिए, जब न्याय की बात करें तो न केवल हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष के लिए भी बेहतर इस बात में है कि ट्रायल स्मूथ चले। तो इसके ट्रायल में बाधा डालने की मंशा क्या है, क्यों इस अप्रोच के साथ कि इसमें मेंटेनेबिलिटी नहीं है, मेंटेनेबिलिटी के बाद दूसरा पक्ष लेकर आते हैं कि ये सूटेबल नहीं है, क्यों ऐसा, क्या मोटिव है इसके पीछे? देखिए, सिविल सूट में आमतौर पर जब आपके पास कुछ ना हो या बहुत बहुत ही थोड़ा कुछ बचा हो, तो आप अगला पक्ष, चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, तमाम सबूत और साक्ष्य हैं जो कि हम लोग प्रस्तुत करेंगे, उसमें कहीं थोड़ा सबको तो पता भी है, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे, डिले करेंगे। बस वहीं डिले कर रहे हैं, और एक अपना टैक्टिस होता है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, क्या उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल तो वो सफल नहीं हुए हैं, और जो भी हिंदू पक्षकार के सारे एडवोकेट हैं, सब अपने मिलजुल के काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लीगल प्रोसीडिंग में ऑप्शन अभी क्या बचता दिख रहा है आपको इस फैसले के बाद? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता मुस्लिम पक्ष? मैं तो यही कहूंगा कि वो ना जाएं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे आएं, लेकिन उनका अधिकार है, इसको मैं मना नहीं कर सकता। और मैं तो यही, हम लोग यही चाहते हैं कि बैठ के इसका जो है हम लोग समाधान निकाल लें, वो श्री कृष्ण भगवान की जो जन्मस्थली है वो हमें सौंप दें, भगवान को सौंप दें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। लीगल तैयारियां आप लोग की तरफ से भी है, सुप्रीम कोर्ट वो जाते हैं तो क्या पक्ष रहेगा आपका? उसमें दम नहीं है, वो जाएंगे, उनके पास रेमेडी है, बस इतनी सी बात है। और कुछ उनमें कोई भी, हमारे तरफ से पक्ष यही रहेगा कि भाई ट्रायल एक साथ होना चाहिए, इससे समय की बचत होगी, खर्च बचेंगे, तमाम इसमें लीगल इश्यूज हैं जो कि कंसल्टेशन के। तो जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार अटकाने की कोशिश थी, जिस पर कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वहीं बात करते हैं बिहार की, जहां पर तेजस्वी के बयान के बाद जो है वो तुष्टिकरण की राजनीति होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ तेजस्वी है जो मुस्लिमों को लेकर ईंट से ईंट बजाने का जो है बयान देते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब तेजस्वी यादव पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई। देखिए, बिहार में गिरिराज सिंह की यात्रा, आरजेडी ने खेला वोट बैंक वाला दांव, तेजस्वी यादव का बड़बोला बयान, एनडीए ने दिया ईंट का पत्थर वाला जवाब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। तेजस्वी ने गिरिराज सिंह के बहाने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में मुसलमानों की तरफ बुरी नजर से देखने वालों की ईंट से ईंट बचा दी जाएगी। हिंदू मुसलमान को जो है किस प्रकार से जो है लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, अररिया के सांसद ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मैं विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा की चर्चा है। गिरिराज सिंह ने बिहार में 18 से 22 अक्टूबर के बीच हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। सीमांचल इलाके में हुई इस यात्रा के मंच से लव, थूक और लैंड जिहाद की चर्चा हुई, तो वहीं सीमांचल इलाके में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई। ईंट से ईंट बजा देंगे मुसलमानों पर बुरी नजर वाले, हमने 5 दिन, मेरी यात्रा खत्म हो गई, मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ,
अब ये चारह दंगा हो जाए, किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए, और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तीस मारखा तो और कोई है ही नहीं। अरे भाई, आप पिता पुत्र दोनों कहाँ गए थे? एक साल पहले पिछले दुर्गा पूजा में जब हिंदुओं को फुलवारी शरीफ से निकलना पड़ा था, आपकी जोपान नहीं खुली। आरजेडी का आरोप है कि यात्रा का मकसद मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाना था। माना जा रहा है कि इसलिए यात्रा खत्म होने के साथ ही आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि बिहार की एनडीए सरकार के नेताओं ने भी तेजस्वी को आईना दिखाने में कोई देरी नहीं की। कोई नजर नहीं देखता है, आप ही बुरी नजर से देखते हैं, आप ही अपमानित करते हैं। तेजस्वी यादव बनेंगे विधानसभा के नेता, सरकार बनेगी तो पांचवें नंबर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे सीनियर नेता शपथ लेंगे, और तेज प्रताप यादव लेंगे तीसरे नंबर पर शपथ। बिहार में मुस्लिम वोट विधानसभा चुनावों के परिणामों में अहम रोल अदा करते हैं। आरजेडी हमेशा से इस वोट बैंक की दावेदार रही है, लेकिन नीतीश कुमार भी मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं। तेजस्वी का ये बयान मुस्लिम वोट हासिल करने की उसी लड़ाई का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काले हिरन शिकार मामले में सलमान खान की बढ़ती मुश्किलों की। जिस जगह मैं मौजूद हूं, काले हिरन की ये मूर्ति देखेंगे जहां पे अंतिम संस्कार उन हिरणों का किया गया था। सलमान खान को सजा हो। रात को 1 बजे इसी जंगल में